हे गाइस, दिस मनालिसा, वेलकम यू। आप सब कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। मैंने एक गुड वाइब्स का प्रोडक्ट लिया था, जिसके साथ मुझे एक गुड वाइब का ये ट्रायल पैक मुझे मिला था। तो इसके बारे में मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। इस ट्रायल पैक के अंदर दो प्रोडक्ट है। इसमें है एक ग्रीन टी का फेस वॉश है एंड एक्टिवेटेड चारकोल का फेस मास्क है इसके अंदर। तो इसके बारे में मैं आपसे रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि कैसा है ये, तो आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये ट्रायल पैक है, आप भी इस तरह से ट्रायल पैक आप मंगा कर आप ट्राई कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपके क्या आपके स्किन पे ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग है और जब इसको ओपन करते हैं तो इसमें इसको ओपन कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, इसका बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे पैकेजिंग दिया हुआ है, जिसमें ये एक तरफ है प्यूरीफाई फेस वॉश दिया हुआ है। तो इनका ट्रायल पैक भी आप देखें तो काफ़ी खूबसूरत से इसकी पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें है ग्रीन टी फेस वॉश है, जिसके अंदर लिखा हुआ है जो की इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, टी ट्री ऑयल है, नीम एक्सट्रैक्ट है। डीप क्लीन करता है आपके स्किन को एंड हेल्प टू रिमूव एक्सेस ऑयल फ्रॉम द स्किन। ये तो काफ़ी अच्छा है उनके लिए जो जिनका ऑयली स्किन है। नेक्स्ट है ये डीप क्लींजिंग फेस मास्क है, एक्टिवेटेड चारकोल का है ये। और जो इसका की इंग्रेडिएंट है वो है एक्टिवेटेड चारकोल है, रोज वाटर है, वेटिवर वाटर है, सैंडलवुड वाटर एंड आलमंड ऑयल है इसके अंदर। और ये आपके स्किन को टाइट करता है, बैलेंस करता है, आपका जो एक्सेस ऑयल जो है उसको बैलेंस करता है, डीप क्लीन करता है, अनक्लॉग पोर्स करता है। तो मतलब कि ये जो भी ये पैक दिया हुआ, ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं वन बाय वन इसको ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसा है। तो हम पहले फेस वॉश को यूज़ करेंगे। इसको मैं कट कर ले रही हूँ। फेस को वॉश करने के लिए पहले हमें फेस को हमें पानी से गीला करना है, फिर उसके बाद हमें फेस वॉश यूज़ करना है। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी स्वीट सी है, काफ़ी अच्छा झाग आ गया है इसके अंदर। और इसको कम से कम मैं एक मिनट तक अपने फेस पे ऐसे मसाज करूँगी ताकि मेरे स्किन के जो भी एक्सेस ऑयल है और डर्ट है वो निकल जाए। इसको मैं वॉश करके आती हूँ। मैं फेस को मैंने वॉश कर लिया है और इसको पैड ड्राई कर ले रही हूँ मैं। मेरे स्किन से जितना भी एक्सेस ऑयल था और डर्ट था वो रिमूव हो गया है और काफ़ी लाइट सा फील हो रहा है मुझे। मुझे फेस वॉश काफ़ी अच्छा लगा इसका, गुड वाइब का। और नेक्स्ट इसका जो है डीप क्लींजिंग फेस मास्क है, ये मैं ट्राई करने जा रही हूँ। इसको भी मैं यहाँ से कट कर ले रही हूँ। ये इस तरह का है और इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसको 20 से 25 मिनट तक अपने फेस पर रखना है, फिर इसको वॉश कर लेना है। इसको लगाने के बाद मेरे स्किन में हल्का सा जलन जैसा लग रहा है। मुझे ये फेस पैक लगाते टाइम थोड़ा सा जलन जैसा महसूस हुआ, बट वो थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो गया। अब ये फेस मास्क मैंने लगा लिया है, अब वेट करते हैं 15-20 मिनट्स का। जब ये ड्राई हो जाएगा फेस को वॉश कर मैं आपको दिखाती हूँ क्या रिजल्ट आया इसका। ये देखिए, इस तरह से ये मेरा सूख गया है। 20 मिनट हो गए मुझे रखे हुए और ये जो ड्राई हो गया है। अब मैं इसको धोकर आती हूँ, फिर धोने के बाद मैं इसका दिखाती हूँ रिजल्ट क्या रहा।
फ्रेंड्स फेस वॉश करने के बाद ये देखिए फेस मेरा काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्लो काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया है और एक अलग सी शाइन आ गई है और काफ़ी लाइट लाइट सा फील हो रहा है। तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगे और इन प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आज का वीडियो बस यहीं पे खत्म करती हूँ मैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल पे अभी आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।